हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद और दुश्मन उफा की हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुजाहरे का जहाँ तक ताल्लुक है, मजदूर पुरुमीद था कि महंगाई के तनासुब से हुकूमत और जिम्मेदारान बगैर सोचे समझे हमें कुछ ना कुछ मजदूर की महंगाई के तनासुब से देंगे। जब मजदूरों को बजट सुनने के बाद ये पता चला कि कुछ नहीं दिया गया, ऐसा हुआ जैसा कोई कोहे ग्रान मजदूरों पर गिरा दी गई। तो इसीलिए आज उसका रिजल्ट है कि मजदूर कितने जज्बे से सरापा एहतजाज हैं। उसके अलावा जब पाकिस्तान रेलवे जो तकरीबन कोई 70 से 76 हज़ार कारखानों पर मुश्तमिल है, पूरे पाकिस्तान में जो रेल को चला रहा है, और उसमें सुनने में आ रहा है कि ये छांटी करने के चक्कर में, मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ मजदूर को मारने के मुतरादिफ है और मजदूर की रोज़ी के पीछे ना इदारों का परवाह है इनको, ना किसी चीज़ का, यहाँ तक कि खलकत खुदा का भी परवाह नहीं है। तो इसलिए मैं इस टाइम इस मौके पर ये पुरजोर मुतालबा करूँगा कि छांटी वाले मामले को फुल फोर उस पर सोचना बंद कर दें और जो है बजट में कम अज़ कम महंगाई के तनासुब से 50% मजदूर को दें। ये आखिरी हल है। अगर ऐसा ना हुआ, खुदा ना खौस्ता पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान रेलवे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगा और सूबे बलूचिस्तान में, चूंकि हम बाकी तंजीमों का हिस्सा हैं, अगर ये तंजीमें इंशाल्लाह जिस कुव्वत से और जिस हिसाब से निकलेंगे हम भरपूर उसमें शिरकत करेंगे और एहतजाज करते रहेंगे ता उस वक्त तक कि जब तक बजट में कुछ नहीं दिया जाएगा। आज के जलसे का मकसद मौजूदा जो वफाकी बजट मजदूर दुश्मन एक बजट पेश किया गया है और उसमें पाकिस्तान के मेहनत कशों के लिए 1% भी इन लोगों ने वो इजाफा नहीं किया है तनख्वाहों में। और इसके साथ साथ जो महंगाई है, हम कहते हैं कि पहले हम लोग ये नारा लगाते थे कि 500 गुना, अभी इस कोरोना और कोरोना से पहले जो मौजूदा हुक्मरानों का जो गवर्नमेंट है इसमें तकरीबन 1000 फीसद महंगाई हो चुका है और तमाम अदारों में निचकारी शुरू कर चुका है। स्टील मिल के 10,000 मुलाजमीन को जो है बरतरफ किया गया है। तो आज निचकारी के ख़िलाफ़ और मौजूदा वफाकी बजट के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान के तमाम अदारों में, तमाम ज़िलों में आज जो है मुजाहरा किया जा रहा है और हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को और सूबाई हुकूमतों को ये वाज़ह कर देना चाहते हैं कि अगर ये जो नामनियात जो बजट थे इसको मनसूख नहीं किया गया और दोबारा मेहनत कशों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और निचकारी के जो गलत पॉलिसी है इसको नहीं रोका गया तो बलूचिस्तान के मेहनत कश पूरे बलूचिस्तान में तमाम अज़ला में सरकारी अदारों को और सनती अदारों को जो है मुकम्मल तालाबंदी करें। देखिए, मुलाजिम और मजदूर तो पहले से वो तबका है, पहले से पिसे हुए हैं। एक तो हम इस हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि आया हमारे मजदूरों को 25,000 रुपये में एक बजट तैयार करके दे दे जिसमें हम अपने बच्चों का गुजारा करें। और आप देखें, अभी इन्होंने मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया, मुलाजमीन को इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो इसके हवाले से हम बलूचिस्तान में 10 तंजीमें साथ होकर एहतजाज कर रहे हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं रहता तो ये तहरीक बलूचिस्तान पर और पूरे पाकिस्तान तक हम फैलाएंगे। ये जो बजट पेश किया गया वज़ीर ख़जाना ने, मज़दूरों को कुछ भी नहीं दिया, इस बजट के ख़िलाफ़ हम सरा पर एहतजाज हैं। पाकिस्तान रेल वर्कर यूनियन की तरफ से हम आए हुए हैं। ये एहतजाज मज़ीद होगा। अगर हमें तनख्वाहों में हमारा इजाफा नहीं किया गया तो ट्रेन भी हम रोक सकते हैं, ट्रेन का पहिया भी रुक सकता है। मज़दूर कुछ
बजट के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं कि 72 से हमने देखा है बजट हमारे सामने पेश होते रहे हैं। इस तरह अक्सर मसर कभी मजदूरों को नज़रअंदाज नहीं किया गया। मौजूदा बजट को मैं IMF का बजट करार देता हूँ और मजदूरों का कातिल बजट करार देता हूँ, इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से मुतालबे करता हूँ कि आप जो IMF के कहने पर बजट बनाते हो, IMF के हवाले अपने मुल्क का किया हुआ है, आपका हुकूमत है, आपका गवर्नमेंट है, आप खुद चलाएं, IMF बजट नहीं बनाए। आपने अपने तनख्वाहों में, सदर के तनख्वाहों में पार्लियामेंट के 300% इजाफा कर दिया। इससे पहले क्या आपको मौत आता उस वक्त अगर 10% 20% मजदूरों को तनख्वाहों में इजाफा कर लेता, क्या IMF से इतना डर लगता था? हम हुकूमत वक्त से मुतालबे करते हैं कि ये अपने को बहुत मजदूर दोस्त और गरीब परस्त समझता था इमरान खान। मैं इसकी शदीद मुजम्मत करता हूँ। मौजूदा बजट में जो उन्होंने किरदार अदा किया है, मजदूर दुश्मन का किरदार है, इसकी शदीद मैं इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि आप इस पर नजर आसानी करें। तकरीबन और ये जालिम हुकूमत है जिसने इस कोरोना के माहौल में जो है मजदूरों को आज सड़कों पर लेके आई है ये हुकूमत, और हम इस कोरोना बजट को, इस हुकूमत के कोरोना बजट को मुस्तरद करते हैं। और IMF के जो है ये डिक्टेशन पर बनाया हुआ बजट है जिसे रेल का मजदूर मुस्तरद करता है। 50% मजदूरों को जो है रिलीफ दे दी।